टू द न्यू व्लॉग. तो अभी जो है फिलहाल हम लोग निकलने का डिस्कवर मजाक के लिए एंड वी आर रेडी. तो बस हम लोग निकल रहे थे तो इससे मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया. हम भी रेडी हो गई मैडम और हमदान जो है ना जा चुका है बाहर. तो चलो हम लोग भी चलते हैं. फिलहाल जो है गाइस हम लोग जो है पहुंच चुके हैं. दान पहुंच गए ना. अच्छा चलो कितना ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे. फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं, वाइट वाले रेड वाला भी. गाइस कोयल की आवाज़ आ रही थी यही. यहाँ पर कौवे बैठे हुए हैं, यहाँ पर इतनी सारी कोयल हैं. ये रही, यहाँ चलना है फिर वहाँ पहुँच गए बस हम लोग. पानी हो रही है ना, पानी आ जाओ मुझे भी पीना पानी. चलो आज चलते हैं, चलो आज होते चलो आज चलिए सर. अभी जो हम अंदर एंट्री नहीं है तो इसलिए ना अंदर नहीं जा रहा है. ये वाली जो है ये वाली एंट्री ये है म्यूजियम की एंट्री जहाँ पर कायदे आज़म का सामान वगैरह रखा हुआ है थोड़ा बहुत. चलो फातिमा जिना सरदार अब्दुल रब नश्त. नहीं था यहाँ पर कपड़े थी दरअसल. हाँ हम चप्पल हमारे ना शूज़ चप्पल वगैरह सब उतरवा दिए. कैसे जाना यार थी धूप हो रही लेकिन अंदर आके ना इतना वो गर्म नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है बस नॉर्मल. बच्चे तो पहन सकते हैं, लहान हमदान ने पहने हुए चप्पल. ये जो ना ये है म्यूजियम, दरअसल हम पहले मैं गलत बोली थी. ये कायदे आज़म की तरह से गाड़ी है कार की और एक वहाँ पर भी है. कायदे आज़म की सरकारी कार ही है. इतने पुराने ज़माने में भी कार इतनी अच्छी होती थी. ये खुद की कार है कायदे आज़म की. और है भी कितनी बड़ी. इसे दरवाज़ा यूं यूं खुलता है, उसके दरवाजे यूं खुलता है नॉर्मल गाड़ी की तरह. ये कायदे आज़म की ज़ाती कार पेकार्ड मॉडल 1938 का है. 1938 ये कायदे आज़म की तस्वीर है. अच्छा कायदे आज़म के शूज का बॉक्स. ये
ये कायदे आजम की कुर्सी टेबल है। इतने पुराने ज़माने का अभी तक बिल्कुल सही है, सही है। टाइगर स्किन स्टैंड बाय हिंदुस्तान। क्या ये रियल टाइगर की खाल है? शायद। एंड डाइनिंग टेबल है आजिया। ये वाली जो पिक्चर है, कायदे आजम की बहन और एक कायदे आजम की बेटी है। सारी पिक्चर्स है इतनी सारी। उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती थी, ब्लैक एंड वाइट है सारी की सारी पिक्चर्स। और डाइनिंग टेबल भी अच्छी है वैसे, इतने पुराने बर्तन हैं लेकिन मिट्टी कम है, बहुत ज़्यादा बहुत कम है मिट्टी। लग रहा है रोज़ रोज़ धोते हैं लेकिन बर्तन। चीनी के बर्तन और छुरी काटने कायदे आजम के खाने के बर्तन, कायदे आजम के बर्तन है ये सारे। शिप है यार। कायदे आजम गोल्फ खेलता था, स्पोर्ट्स गियर। गोरी बॉल वगैरह गन है कायदे आजम, गन है, तलवार है और भी बाकी जो चीज़ें होती हैं। ये लिखा हुआ है कुछ लेकिन बस मुझे दिख रहा नहीं है, शीशा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। कायदे आजम का फर्नीचर है और शूज वगैरह पड़े हुए ड्रॉअर। ये कायदे आजम चलने की लकड़ी है। बेड है, ड्रेसिंग टेबल, कायदे आजम के जूते, कायदे आजम की पिक्चर।
एक्साइटेड है। ये कायदे आजम की तस्वीरें बता ना ये हाँ कायदे आजम की है। कैसी पिक्चर कैसी आ रही है? सारी की सारी मोटी बुक्स ये बुक्स है कौन पढ़ता है इतनी मोटी। स्टडी रूम है, स्टडी रूम का फर्नीचर लॉन्ग लिव और पाकिस्तान जिंदाबाद। रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स विथ लिड ऑफ फ्लावर्स, ये रेक्टेंगुलर ग्लास है जिसके ऊपर फ्लावर प्रिंट हुए हैं। हाँ वो चम्मच है। ब्रोंज प्लेट आराइश अशियार बैठ गए थक गम दादा आप। एश ट्रे स्मोकिंग पाइप्स ये कायदे आजम का पर्स है। पॉकेट वॉच और एक ग्लासेस है ना, ये भी ग्लासेस है। ये क्या है? इमाम समी जामिन इंजरी वर्क के सेरेमनी गार्डन, ये हर एक सेरेमनी का सीक्रेट बॉक्स विद चाइनीज पेंटिंग इन लेड।
two badges of the All India Muslim League in limitation silver at Hyderabad. ये हेलमेट है? नहीं नहीं स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स क्लब पुराने जमाने का हेलमेट ये खेलने का एरोप्लेन है खेलने का नहीं है अवार्ड वगैरह है ये पुराने जमाने के वो है कॉइन्स आई थिंक सेट ऑफ पाकिस्तान हाँ सेट ऑफ पाकिस्तान कॉइन इशूड इन 1948 प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ जाओ इतना बड़ा नोट 100 का नोट अगर नहीं 100 रुपए का नोट है वो 10 का नोट भी कितना बड़ा लग रहा है ये 100 रुपीज का नोट है ये 100 रुपए का नोट है ये 100 रुपए का नोट है ये 10 रुपए का नोट है बता 5 रुपए का 2 रुपए का इंडिया के जमाने का जब पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था ये कितने का है 2 रुपए का 2 रुपए का और ये 1 रुपए का वो भी 1 रुपए का कौन सा नोट है ये 2 रुपए का वो 1 रुपए का है वो वाला 100 रुपीज का ये कुरान मजीद है कायदे आज़म बड़ा और ये छोटा सा कुरान और वहाँ पर उससे भी छोटा द होली कुरान डाक टिकट्स नहीं तो डाक पे लग गए पोस्ट स्टैम्प है ये है ना फर्स्ट इशू ऑफ पाकिस्तान पोस्टेड स्टैम्प प्रेजेंटेड बाय सरदार डाक के टिकट नोट और सिक्के भैया फिर से अपन सिक्कों की तरफ अच्छे लग रहे हैं कायदे आज़म के लहान को दे दो सही है चलो बाहर चलो हाँ सब नहीं गर्म गर्म हवा आ रही है सुकून हो रहा था अंदर ठंडी ठंडी हो लिफ्ट है लिफ्ट से ऊपर जाके क्या करेंगे ऊपर में नीचे का कुछ नहीं है अच्छा देख ना लिफ्ट भी लगी हुई है ये किस जगह ढूंढी है यहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर बेंच पे पहले जगह है फ्लावर इतने बड़े बड़े लगे हुए इसमें चलो थक गए बहुत ज़्यादा फिलहाल गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर जाने के लिए घर बोटी तो चलो अभी हम लोग खाना खाते हैं हमने खाना खा लिया था और हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे तो इसलिए हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और फिर अभी थक चुके हैं तो इसलिए ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं रसों तक के लिए टेक केयर एंड हाफ फिल्स